बिग बॉस के घर के अंदर क्या मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जो सारा ने चीज़ें की उसके अंदर मोंजिलिका चढ़ गई थी, मैं भी जो उसने चीज़ें की और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इस पति पत्नी ने, और उसका पति उसको सपोर्ट कर रहा था किसी के कैरेक्टर के बारे में, और इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल दी है ना उसने, और उसको उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो करणवीर का जो आज का गेम था ना, पूरा जीरो गेम था उसका। जो बड़ी बड़ी मतलब इस चीज़ से भी कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, करण का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियरली आज सबको समझ में आया। जो सर उसके बारे में बोला था ना, ओपिनियन बिल्कुल करेक्ट था। उसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और चुपचाप उसको बस पॉपकॉर्न की कमी थी, वरना वो सीन जो हमने देखा था ना, वो पिक्चर बहुत ही अमेजिंग थी। तो सबसे पहले हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा जो रजत की घटिया शायरी थी, जो सिर ना पैर बिना मतलब की शायरी थी। उसके बाद ना टास्क, जो टाइम ऑफ गॉड बनने के लिए टास्क बिग बॉस ने दिया था। बेसिकली वो जो छड़ी थी उसको तीन उधर से और तीन इधर से पकड़ना था। टास्क एकदम सिंपल था, छह लोग ना उस टास्क के लिए दावेदार थे। जैसे ही टास्क स्टार्ट हुआ ना, बस 1 मिनट के अंदर ऐसे करणवीर ने उसको पुश किया, और श्रुतिका और शहद गेम से आउट भी हो चुके। एक मिनट के अंदर दोनों आउट हो चुके करन करने, और वो फेयर है, नॉर्मल पुश करना एकदम फेयर है, उसके अलावा हाथ कैसे निकलेगा, तो वो फेयर था वहाँ तक। उसके बाद ना श्रुतिका और चाहत आउट हो जाती है। देन रजत में इतनी चर्बी हुई ना, उसको जो फिजिकल उसकी ताकत है ना, उसको दिखा रही थी ना, इतनी जोर से उसको ऐसे पुश किया ना, वो जहाँ वहाँ जहाँ उसने पकड़ा हुआ था वो पूरा टूट के उसके हाथ में आ गया, और वहाँ पे क्लियरली वो आउट हो चुका, क्योंकि उस तरफ बाकी सारे कंटेस्टेंट है, और वो वहाँ पर उसने खींचा ना, तो सारा हाथ थोड़ा सा वो हिला। वो उतना गेम में चलता था, लेकिन वहाँ पर ना रजत तो पहले आउट हो गया, लेकिन वहाँ पर ना विवेक ने उतना उसको ये किया नहीं था, ध्यान नहीं दिया था कि सारा का हाथ हिला था नहीं हिला था, लेकिन करण ने उसको बार बार बरता दिया, फिर चाहत ने बोल दिया, फिर एलेक्स ने बोल दिया कि सारा का भी हाथ हिला था, सारा का भी ये हुआ था। तो उसने वो डिसीजन लिया कि मैंने भी देखा था कि सारा आउट है, उसका हाथ हिला था, थोड़ा हिला था। फिर उसके बाद ना सारा को आउट किया जाता है, उसने आउट जैसे ही किया ना, वो टिश्यू पेपर लाके या उसके हाथ में जो भी था वो उसको विवेन के ऊपर फेंक देती है, और इतनी सारी चीज़ें बोलती है, और विवेन के ऊपर चढ़ जाती है बेसिकली। और वहाँ पे विवेन को कुछ बोलने का पॉइंट ही नहीं था। वो जिसने तुम्हें आग लगाई वो करण था, चाहत थी, एलेक्स थी, उनको बोलने का, लेकिन उन्होंने देखा था, उन्होंने 3 बार बोला कि सारा का हाथ हिला हुआ था, लेकिन उसने विवेन के ऊपर चार्ज किया और बाकी सारे कंटेस्टेंट को भूल गए अंदर जाके। ये माइक निकाला, तोड़फोड़ की, पिलो फिका, ये किया, इतनी सारी चीज़ें उसने की है ना, एग्जैक्टली मोंजुलिका भी थोड़ा सा कम करती है जिस तरह की उसने हरकतें की है। और विवेन के ऊपर चढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं था बेसिकली। तो उसके बाद ना आरफिन उसको समझाने जाता है ये सारी चीज़ें कर, ओके झूठे ये वो इतनी सारी, वहाँ तक बिल्कुल जस्टिफाई था उसका गुस्सा, उसको आउट किया तो उसका वो गुस्सा निकल गया, तो वहाँ तक क्लियरली फेयर था, जस्टिफाई था उसका गुस्सा यहाँ तक। लेकिन उसके बाद आरफिन उसको समझा के अंदर से बाहर आता है, डायरेक्टली विवेन को ऐसे पुश करने लगता है, मतलब ऐसे चेस्ट टू चेस्ट पुश करने लगता है, बिना मतलब का पुश उसके विवेन के ऊपर चढ़ता है, और इतनी सारी चीज़ें बोल देता है विवेन को बिना मतलब का, कि मेरे बीवी का दिल टूटा है, मेरे अरे तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसको समझाना चाहिए, तुम उसके ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, और तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम ये हो, इतनी सारी चीज़ें बोली ना, और तुम याद रखो मेरे बीवी के साथ बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम। पहली बात तो वो इतने अच्छे से सर सर के बात कर रहा है, तुम्हारी बीवी को उसने एक शब्द भी बोला नहीं, और वहाँ पर तुम्हारी बीवी इतनी मतलब इतनी इरिटेटिंग चीज़ें कर रही है, उसको समझाने के सिवाय तुम उसके ऊपर चढ़ रहे हो, वो बेचारा सर सर के बात कर रहा है, और वहाँ पर भी
तुम उसको ऐसे चेस्ट से धक्का मार रहे हो, वहां पर श्रुतिका, वहां पर शिल्पा जी उनको समझा रहे कि विवियन की क्या गलती है, उसमें बिग बॉस ने जो टास्क दिया है वो टास्क वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन वहां पर आर्फिन कुछ अलग ही, पति पत्नी पागल हो चुके, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वहां पर विवियन को धक्का देना और विवियन को तुम घटिया इंसान हो, मतलब उसने एक डिसीजन लिया तो आपको इतना ऑफेंस हो गया और आपने उसका पूरा पूरा मतलब पूरा इतना उसको छिचा लेदर कर दिया, उसको घटिया इंसान, तुम मेरी बीवी का दिल तोड़ा रहे हो, क्या उसका बॉयफ्रेंड है तो उसने उसका दिल तोड़ दिया, मतलब इस बात में कोई सेंस तो होनी चाहिए ना कि मेरे बीवी का दिल तोड़ दिया, अरे ओके तेरा उसका बॉयफ्रेंड है क्या, अपनी बीवी को जाके पहले संभालो, जो ये सारी चीज़ें कर रहे ना, खुद कहते कि हमारे बच्चे देख रहे, ये सारी चीज़ें बच्चे देखेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि उनकी माँ नेशनल टेलीविजन पे 100 कैमरे के बीच में ऐसी चीज़ें कर रहे, उसके बाद तो बहुत हद पार हो गई थी, यहाँ तक उसका गुस्सा जस्टिफाई था कि उसको निकाला, इसलिए उसका गुस्सा निकाला, जो भी उसके अंदर था वो पूरा निकाल गया, लेकिन उसके बाद जो जो सारी हरकत की ना, एक्सट्रीम जो लाइन होते हैं ना क्रॉस, वो करके बहुत आगे चल गई है वो, और उसके पति ने भी सेम चीज़ें की है, बहुत सारी चीज़ें बोली उसने, उसके बाद डिग विजय और बस करण बचे थे उस खेल के अंदर, दोनों का चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी करण डील कर रहा था, लेकिन क्यों भाई तुम फ्रंट फुट में खेलने से क्यों डरते हो, करो ना जो भी नए भीड़ो ना भी, जो बस पीठ पीछे जाके चुगली लगाना, ये करना वो करना, उसके अलावा कुछ तो किया करो गेम के लिए भी, अच्छा हुआ डिग विजय ने छोड़ा नहीं, वरना लेकिन दोनों ने एक दूसरे को टफ किया, बस उसको पकड़ के रखना था, और अच्छे से उन्होंने किया नहीं किया वो अलग की बात है, उनका चल रहा था वो एक दूसरे के ऊपर खींच रहे थे ना, उसके बाद उनका चल रहा था हाथ मत लगाओ, ये हाथ मत लगाओ, वो हाथ मत लगाओ, रजत बिना मतलब का करण ने ये हाथ लगाया, वो हाथ लगाया, अरे भाई दूसरे हाथ को टच करना ऐसा नहीं लिखा था, बस वो हाथ छोड़ना नहीं ऐसा लिखा था गेम में, लेकिन रजत का कुछ अलग ही था, ठीक है छोड़ो। उसके बाद सारा मैडम अंदर से आती है माइक में फेंकने के बाद, और वहाँ पे आके बिना मतलब का इतना जोर से स्क्रीमिंग करने लगती है, और वहाँ पे ईशा चुपचाप बैठी है सोफे के ऊपर, वो पिलो लेके उसके ऊपर मारती है, वो जाके जाती है फिर उसके ऊपर, पिलो मारने का कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है यहाँ तक भी मानो उसका गुस्सा था, ठीक है पिलो से उतना किसी को लगता नहीं इसलिए वहाँ पर भी ठीक, लेकिन उसके बाद उसने जो किया ना वो नॉर्मल हरकतें बिल्कुल भी नहीं है, रियल लाइफ में अगर हमें ऐसे कुछ करेगा वहाँ, उसके बाद उसने जो सारी चीज़ें की ना वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता, वो उसका मेंटली कुछ तो प्रॉब्लम है, वैसे ही इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है, और वहाँ पर उसने ईशा के पूरे बाल खींचे, अविनाश के ऐसे चेस्ट को ऐसे पकड़ा और उसने दिखाया जो उसके पूरे नाखून उधर उसके चेस्ट पे लगे थे, ये सारी चीज़ें उसने की, उसको निकाला और उनको अब्यूज़ इतना ओरली अब्यूज़ किया उन दो, मतलब दो तीन एलेक्स को भी किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि दो लड़कियों के बीच में सोता है, अकेले सोना नहीं आता, निपर इतनी गंदी गंदी बातें बोली है ना उनको, उसको उसके तो बाल खींचे, फर्स्ट रोल सबसे बड़ा रोल होता है वायलेंस, उसने तोड़ा है माइक उतरना, तोड़ा है अब्यूज करना, सारे रूल उसने तोड़े हैं, और रूल की बातें कौन कर रहे देखो, और उसका जो पति है ना वो बोल रहा है छोड़ो उसको, जो तुम्हें जो करना है करो, गो फॉर इट, तुम अच्छा कर रहे हो, मतलब क्या इन पति पत्नियों का कुछ समझ में आ रहा है कि वो नेशनल टेलीविजन पे क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली देख रही है, उनकी तो छोड़ो खुद की तो फैमिली देख रहे हैं, खुद के भी बच्चे देख रहे हैं ना, जो आप बार बार बोलते रहते हमें 10 साल बाद बेबी हुआ, 10 साल बाद हुआ, वो भी देख रहे हैं अपनी माँ को इस तरह का व्यवहार, उनको क्या लगे, कोई भी बाहर से देखेगा तो उनको लगेगा कि मेंटली वीक है, उसका कुछ तो ट्रीटमेंट करना चाहिए ऐसा ही लगेगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान कितना भी गुस्सा है ना इस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज या इस तरह का बिल्कुल नहीं करता। फिर वहाँ पे सब वो चुम शिल्पा जी उसको लेके अंदर जाते हैं, और वहाँ पर भी वो उसको इतनी गंदी तरीके से मॉक करते हैं ना उन चार लोगों को, और उसके बाद ना जो चीज़ें वो बोलते हैं ना उन चारों स्पेशली ईशा और अविनाश के लिए बहुत गंदी तरीके से चीज़ें बोलते हैं, और वहाँ पे उनका स्टेटमेंट दो लड़कियों के बीच में सोता है, अकेले सोना नहीं आता उसको, उसके ऊपर फिर
इतनी गंदी, आप भी बोल भी नहीं सकते है। उसको इतनी चीजें उसकी म्यूट की गई, उसके गालियां देना, उसको नैपी पहनाओ पहनाओ, तुम बेबी सीटर करने घर में पूछा है क्या, इतनी गंदी गंदी चीजें उसने बोली है ना, उसको मुंह में डालने के लिए निप दे दो, ये दे दो, क्या क्या चीजें उसने बोली है ना, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे। क्या उस ईशा की कोई फैमिली नहीं है क्या, क्या एलिस की कोई फैमिली नहीं है क्या, या उस अविनाश की कोई फैमिली नहीं है। सेम चीज मतलब एक इससे पहले जो बस एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल मतलब क्या ही बोलेंगे, एक अविनाश ने जो किया था उसके ऊपर इन सारे घर वालों को लग रहा था कि हम इसके साथ सेफ फील नहीं करते। बस वो अरे चुमने तो 10 10 सेंटीमीटर कितने दूर था चुम उससे, फिर बस वो गया था उसको उसका उसको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल है, लेकिन इसने जो उसके लिए उन्होंने घर वालों ने सारे ने उसको इविक्ट किया, वो सेफ नहीं है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें बोली, और यहाँ पर सारन जो हरकत किए उसके साथ अभी सब लोग सेफ है। कितना दोगलापंती घर वालों ने दिखाई है ना, स्पेशली चाहत, रजत, दिग्विजय, कशिश, चुम, चुमने तो थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन श्रुतिका और शिल्पा जी गलत को गलत बोल रहे थे, लेकिन बाकी जो कर स्पेशली करण जस्टिफाई कर रहा था, चुम जस्टिफाई कर रही थी, चुमने उसको कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद जो श्रुतिका के साथ झगड़ा कर रही थी ना, वो जस्टिफाई कर रही थी उसकी हरकतों को, और देन उसने इतनी सारी चीजें बोली ना, जिस और बाहर आके श्रुतिका उसको बोल रही कि वो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उसका ये हो गया है, उसका गुस्सा बाहर आ रहा है, गुस्से में उसने ये सारी चीजें की। आप किसी को मार के बोलोगे कि गुस्से में सारी चीजें की, तो अविनाश ने जो किया वो भी गुस्से में किया, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, अगर उसने वो गलत किया तो इसने भी वो गलत ही किया है। जो चीज़ें आप बोल रहे हो ना वो बहुत ही गलत चीज़ें बोल रहे हो। उसके बाद सारा शांत होने के बाद अविनाश, ईशा सब लोग वहाँ पे बैठे हैं, ये पागल औरत अंदर से आके ऐसे घूर रहे थे, जिस इंटेंशन से घूर रहे थे ना वो क्लियरली दिख रहा था, जो अविनाश के पास जाके बैठी, उसको वहाँ पर बैठ के क्यों बेबी को नैपी नहीं पहनाई, डायपर नहीं पहनाया, या बेड पे लेके नहीं गए, या तुम्हारी बेबी सीटर नहीं आई, इतनी गंदी गंदी तरीके से उसको पोक कर रही थी, फिर भी ये लोग सब लोग वो सीन ना देखने लायक था। वो लोग वहाँ पे बैठे ऊपर, और वहाँ पे सब लोग खुर्ची डाल के उसके ऊपर बैठे हैं, और श्रुतिका उसको कंट्रोल कर रही थी, एलिक्स, श्रुतिका, एलिक्स, विवेक और ईशा, इन ये लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, और वहाँ पर करण, बाकी सारे कंटेस्टेंट, वो उस पत्नी का पति आरफिन, वो भी बोल रहा है कि छोड़ो, करने दो उसको जो करना है। वो करण बोल रहा है कि छोड़ तुम्हें क्या करना है, वो श्रुतिका के ऊपर चढ़ रहे, करने दो उसको जो करना है करना, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। अरे करण तुम्हें कुछ बुद्धि नाम की चीज भी है क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है किसी को आप अब्यूज कर सकते हो, किसी को आपने लिखा है आप नेल्स मार सकते हो उसके चेस्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि आप किसी के बाल नोच सकते हो, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, फिर भी हो चुकी है ना, और वो कह रहे कि हम गारंटी लेंगे वो कुछ करेंगे नहीं। अब अगर आप गारंटी लेते तो ये सारी चीजें, अगर आप लोगों में से अविनाश ने एक भी चीज की, उनमें से एक भी अब्यूजिंग वर्ड आपके लिए बोला होता, तो आप सब लोग मिलकर इतना उसके ऊपर चिढ़ते कि इसमें कुछ ह्यूमैनिटी है ही नहीं, वो लड़कियों की इज्जत ही नहीं करता, ऐसी एलिगेशन उसके ऊपर लगाते हैं ना आप लोग। करण में आज करण का गेम झूरो था, उसकी सेंसिबिलिटी झूरो थी, उसकी ह्यूमैनिटी झूरो थी, सारी चीज़ें झूरो थी, और जो सारा आरफिन रजत कर रहे थे ना वो भी कुछ भी उनका नहीं था, कुछ भी ना सिर था ना पैर था, बिना मतलब का उन चार के ऊपर चढ़ना, कुछ भी बोलना, बस उनके पेशेंस लेवल को ना सलाम है भाई। लेकिन आज मुझे विवेन का बहुत अच्छा लगा, वो बोल रहा था, टिट फॉर टैट दे रहा था, जो भी सामने से कुछ बोलेगा उसको बोल रहा था अपने दायरे में रह के, यही फर्क होता है सभ्य इंसान और असभ्य इंसान में। वो चुगली करते हैं इसके ऊपर, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ये जो अब्यूज करते हैं इनको सपोर्ट करोगे, और जो चुगली करते हैं, चुगली मतलब जो उनके खिलाफ बातें करते हैं उनको आप खराब होते हो। कल इतना बवाल मचा दिया कि एलिक्स ने ऐसे कैसे लड़की कार्ड खेल सकती है, ये कर सकती है, ठीक है उसने जो किया वो गलत था, लेकिन ये सारा ने जो किया उसको क्या बोल के जस्टिफाई करोगे, जो करण ने किया, जो रजत ने किया उसको क्या बोल के जस्टिफाई करोगे, जो आरफिन ने किया,
सबको दिख रहा था गलत हो रहा था, फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे होते, जिस तरह से चीज़ें कर रहे थे, और कशिश दिग्विजय वो भी उनकी साइड थे बस दिखाने के लिए, उसके बाद जाके अच्छे से सारा के साथ बात कर रहे थे बस दिखाने के लिए कि बाबा हम उनके साइड है। ये उनका जो डबल फेस है ना वो भी देखने को मिल गया आज के एपिसोड में। और श्रुतिका और शिल्पा जी उनका बस दिखा कि वो सपोर्ट कर रहे थे कि वो दो लोग झगड़ा कर रहे थे उनको रोकने का, सब लोग जाते उतनी तो ह्यूमैनिटी सब में होती है, लेकिन ये करण तो नहीं। श्रुतिका ने यहाँ पे सही बोला करण को कि मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न खाते तमाशा नहीं देखना चाह देख सकती। और वहाँ पे करण और चुम उसको श्रुतिका को बोले तुम क्यों जा रही हो उनके बीच में, हम गारंटी लेते हैं कि वो नहीं फिर से करेगी, और उसने किया होता तो फिर क्या करते, और लेकिन अभी तक जो किया उसके लिए आप लोग क्या करते। बहुत ही गलत चीज़ वो जस्टिफाई कर रहे थे। और श्रुतिका ने बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया कि मैं कोई ऑडियंस नहीं हूँ यहाँ पे, पॉपकॉर्न खाते बैठ के ये सारी चीज़ें करो। और करण का दिमाग का सच में उसका दिमाग गुड़ में है, उसमें कुछ इमोशन नाम कोई चीज़ है भी नहीं, और वो बस इतना स्वार्थी इंसान है ना, अपने आगे उसको कुछ दिखता भी नहीं है। और यहाँ पे श्रुतिका को समझा रहा है कि ये क्यों गई तुम, क्यों नहीं क्यों जा रही थी, क्यों क्या कर रही थी। और वहाँ पर फिर से सारा आती है और अविनाश बेटा वहाँ पे उसको इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलती है, वो किचन में जाते हैं वहाँ पर जाके उनको फिर से वो गंदी चीज़ें बोलती है। ईशा वहाँ से उठ के बाहर आते, बाहर आके फिर वहाँ पे वो गंदी चीज़ें बोलने लगती है। और वहाँ पर एक सेंटेंस बोलता है अविनाश की भूखो, जितना भूखा है भूखना, उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे भूखो बोला, मुझे भूखो बोला, मुझे भूखो बोला। और आरपिन उसको भूखो बोला और सब लोग मिलकर उसका उस चीज़ को डिस्कस कर रहे कि उसने उसको भूखो बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है। मैडम आप भूल गए आपने इतनी सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर के ऊपर उसके फैमिली के ऊपर बोला है। और वहाँ पर भी अंदर जाके फिर विवेक की जो कॉफ़ी है ना वो लेके फेंकने गई, इतनी सारी चीज़ें की ना। लेकिन अब इसका जो भी फैसला होगा वो कल वीकेंड के वार पे लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को घर के अंदर के कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिस तरह से वो उनका व्यवहार है ना इतना डिस्कस्टिंग है। जानवर भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, जिस तरह का उस सारा अरफिन का व्यवहार था, और उनको जो सपोर्ट कर रहे थे ना वो भी इतनी गंदी तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे ना उनके व्यवहार को, बहुत गलत। उसके बाद है वो रजत का बिना मतलब का विवेन के ऊपर फिर चढ़ रहा है, विवेन इतनी सी अच्छी चीज भी बोले ना उसके ऊपर फिर से उसका चढ़ रहा है, लेकिन वहां पर विवेन ने बहुत अच्छे से उसको एक दिया और उसकी फैमिली के ऊपर बोल तेरी फैमिली ये है वो है, इनका बस ये की होता है इनके उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल है नहीं, वो कुछ भी बकवास करते कुछ भी बोलते, उनके फैमिली के ऊपर जाना वो सारा हर वक्त, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में कौन, तुम्हारे घर में तुम्हारी नैपी कौन बदलता है, तुम्हारे घर पे कौन कौन है, ये लड़कियों ने तुमने ट्रेनिंग ली क्या घर से, इतनी गंदी चीज़ें उनके फैमिली ये सारी चीज़ें देख रही होगी तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें म्यूट करके रखी है, फिर भी जो भी देखने को मिला वो एक्सट्रीम लेवल पे गंदी चीज़ थी, जो कि कोई एक नॉर्मल इंसान ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ऐसे लोगों नॉर्मल लोग बिल्कुल नहीं हो सकते, इनका कुछ तो दिमाग का हिला हुआ है, ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते। उसका पति कह रहा है तुम जो चाहो करो, गो फॉर इट, मतलब इनका हटा हुआ है। उसके बाद बेचारा विवेन अच्छे उसका रजत का जो भी पैनकेक था ना वो जल रहा था, इसलिए वो बोल रहा था कि गैस में से उठा लो, मतलब वो जलेगा नहीं, इतनी अच्छी चीज़ बोली। उसके ऊपर भी उसका कहना था हम जंगली लोग ऐसे ही खाते हैं, मुझे मत बताओ मुझे मत सिखाओ, हम लोग वहाँ पर उसके साथ बहस करने लगा है, कितना सच में ये जंगली है, मतलब अच्छा वाला जंगली नहीं। जंगली लोग दूसरों की बात भी सुनते हैं, लेकिन जो जंगली व्यवहार से जंगली होता है ना ये उसका है ना, उसकी बस बॉडी बड़ी है, उसका जो दिमाग है ना वो घुटने में ही है, और ये सारा जो है ना वो कर उसको पोक करते रहता और वो ऐसे भड़क से निकलता है, और उसके बातों का कोई सिर पैर बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी राइम सुन के मुझे तो चक्कर आने लगती है, उसकी राइम इतनी बकवास और घटिया होती है, ये सारी चीज़ें इतनी देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी जिस वे में वो कर रहे थे ना। उसके बाद ना वहाँ पर सारा का सुबह एक वो दिन खत्म हो गया, सुबह फिर से
अविनाश के पास जाके अविनाश बैठा हुआ है, पहले तो उसको ड्यूटी के ऊपर उन्होंने पोक किया, उसके बाद वो लंच कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहां पर भी तुम आदमी नहीं हो, तुम्हारी नाफी चेंज की, इतना उसके कैरेक्टर के ऊपर बोल दिया ना उसने। नॉर्मल चीज लोग ऐसी चीजें हरकतें नहीं करते। उसके बाद ना तुम कौन सा दूध पीते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, फिर से वही उसका चाल हो गया सुबह भी। उसके बाद ना तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी क्या, तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी क्या, तुम घर पे कैसे चेंज करते हो, तुम घर पे तो तुम्हारे कौन कौन है, क्या क्या चेंज करते हो, ये सारी चीज़ें उसने बोली है। उसके बाद बिग बॉस विवेन से बोलते कि इन सारी चीज़ों का ना फैसला वीकेंड के बाद पे होगा, जिसने माइक नहीं पहना उसको पहना दो। फिर ये सारे लोग माइक पहनाते हैं। वहाँ पर ना जो सारी चीज़ें हो चुकी है ना उसको तो छोड़ो अभी, वहाँ पर सुबह सुबह से वो दिन तो चला गया, लेकिन सुबह भी फिर से वो उनको पोक कर रहे थे बिना मतलब का। फिर लेकिन उनको ना बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जिस तरह से वो सारे लोग कर रहे थे ना, क्योंकि वो खाने के वक्त भी उसकी मदर के ऊपर बोल रहे थे, उसको फिर बोल रहे थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसके बाद ना लास्ट में जो शिल्पा जी ने सारा को समझाया ना, बहुत अच्छे से समझाया कि तुम्हें भी बच्चे हैं, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे बेटी को अगर ऐसा कोई बोलेगा कि तुम्हें उसके साथ सोते हो, ये करते हो, वो करते हो, दूध इतनी गंदी चीज़ें बोलेगा ना, तो मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन वहाँ पर उसने वो बात नहीं सुनी वहाँ पर। फिर उसके बाद इशार हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई यार, कितनी घटिया लोग हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, इतनी गंदी गंदी चीज़ें। उनको डर नहीं लगता कि हमारी फैमिली ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, फैमिली तो छोड़ो उसके खुद के बच्चे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, उसको ये सारे अच्छे लगता है। और काहे का माइंड कोच है, ऐसे माइंड कोच उनको ही माइंड की ज़रूरत है, ये कोई प्रोफेशनल में जाना नहीं हुआ। अगर आप माइंड कोच हो तो आपका उसी तरह का व्यवहार भी होना चाहिए। आप वो दूसरों को इतना इंस्टिगेट इतना प्रोक करते हो, फिर भी उन लोगों के इतने पेशेंस है, उन्होंने सारी बातें सुन ली, कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट किया होता ना तो सारा ने जो भी किया ना उसके ऊपर पर्दा डाला दिया जाता। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को, और इन चारों को सल्यूट है भाई, जिस तरह से उन्होंने हैंडल की सिचुएशन, स्पेशली विवेन, ईशा और अविनाश, मतलब फिजिकली उनके साथ इतना बुरा हुआ। कल विवेन को भी फिजिकली इतनी चोट लगी, आज भी उन ईशा और अविनाश को फिजिकली इतनी चोट लगी, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से हैंडल की सिचुएशन, एक नंबर। और जिस तरह से बाकी लोगों का भी व्यवहार दिखा, जस तरह से करण चाहत, रजत, दिग्विजय, कशिश, इनका कोई भी गेम भी नहीं था, कुछ भी गेम नहीं था, बिना मतलब के थाली का बैंगन थे वो, कभी इधर कभी उधर। और श्रुतिका और शिल्पा का पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने सही मुद्दे में स्टैंड लिया अपना, और बहुत अच्छे से लिया। तो मुझे आज के एपिसोड में इतना जितना भी देखा उतना मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल। तो आप किसकी साइड में हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह का व्यवहार क्या बिग बॉस के घर के अंदर या किसी भी रियलिटी के शो के अंदर या कोई भी ऑफलाइन ये एक नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या? बिल्कुल भी गलत है, कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आप क्या चाहते हो, आप किसकी साइड से हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।